इस वीडियो में लास्ट ईयर जो आई टी आई एन सी बी टी सी बी टी ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया गया है ये कोपा ट्रेड का क्वेश्चन पेपर है जो लास्ट ईयर सी बी टी एग्जाम पेपर में आया था उसका सॉल्व पेपर और पूरा क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में डिस्कस किया गया है अगर आप कोपा प्रशिक्षार्थी हैं या परीक्षा देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको एक आइडिया मिले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें चलिए स्टार्ट करते हैं वट इज द फास्ट टैग इन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट एस टी एम एल डॉक्यूमेंट में पहला टैग क्या है यहाँ पे चार ऑप्शन है एस टी एम एल टैग टाइटल टैग और एस्टेमल टैग यहाँ पे आंसर देख सकते हैं एस टी एम एल टैग आपको पता ही है ठीक है नेक्स्ट दो नंबर विच इज विच वेब लैंग्वेज गिव मोर कंट्रोल ओवर द एस टी एम एल एलिमेंट्स एंड अलाउड देम टू चेंज एट एनी टाइम विदाउट रिटर्निंग टू द वेब सार्वर कौन सा वेब भाषा एस टी एम एल तत्व पर अधिक नियंत्रण देती है और वेब पर आपस वापस आए बिना उन्हें किसी भी समय बदलने की अनुमति देते हैं बी एम एल एक्स एम एल एस टी एम एल डी एच टी एम एल आपको पता है डी एस टी एम एल आंसर सही है यहाँ पे देखिए आंसर डी डी एच टी एम एल ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं क्विच की इज यूज टू स्टॉप ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए कौन सा बटन का प्रयोग करते हैं स्केप टैप कंट्रोल इंटर स्के बटन का यूज किया जाता है आंसर यहाँ पे देख सकते हैं सही है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है क्विच टूल अलाउ यूजर टू सेलेक्ट डिफरेंट लेआउट फॉर स्लाइड कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग अलग लेआउट चयन करने की अनुमति देता है यहाँ पे अप्लाई डिजाइन बुलेट्स न्यू स्लाइड और स्लाइड लेआउट आपको पता होगा पार्वर्न में स्लाइड लेआउट जो है अलग अलग आपको उपकरण चूज़ करने के लिए ऑप्शन देता है तो सही आंसर है डी नेक्स्ट चलते हैं पाँच नंबर विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वन वन का एक उदाहरण आपको मांग रहा है इथरनेट होम नेटवर्क कैंपस नेटवर्क ब्लूटूथ नेटवर्क वन का वाइड एरिया नेटवर्क है तो इथरनेट आपका सही आंसर यहाँ पे माना जाएगा नंबर सिक्स विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आई पी आई पी का पूरा नाम आपको पता ही है इंटरनेट प्रोटोकॉल है यहाँ पे स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करके आपको ऑप्शन दिया गया है ध्यान से इसको देख के आपको क्लिक करना है इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी यहाँ पे बी जो है सही है सॉरी सी इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे सही है स्पेलिंग देखना है आपको ठीक है नंबर सेवन विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूज़र एंड ए कंप्यूटर जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम डी आंसर सही है नंबर एट वेयर डज द मिनिमाइज एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडो विंडो में कहाँ मिनिमाइज जो एप्लीकेशन है कहाँ रहता है वो आपको पता है टास्क बार में रहता है ये आंसर सही है ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस एक्सेस में कितने टेक्स्ट फील्ड में करेक्टर अलाउ करता है तो यहाँ पे ऑप्शन आपको पता है टू फिफ्टी फाइव आपका करेक्टर आप चलता है क्वेश्चन नंबर टेन विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिवाइस ऑप्टिकल डिवाइस में डेटा किस प्रक्रिया के उपयोग किया जाता है जैसे सी डी डी बी डी में क्या प्रक्रिया करके आप डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं आपको पता है बर्निंग ठीक है ये ये आंसर इसका सही होगा चलते क्वेश्चन नंबर इलेवन हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेज सर कॉल्ड रूट डायरेक्टरी के अंदर अगर डायरेक्टरी रहता है तो इसको क्या कहा जाता है ठीक है यहाँ पर डी आई आर पाथ और सब डायरेक्टरीज और ट्रीज लिखा है तो ये आपका ऑप्शन आपका सी आंसर सही होगा सब डायरेक्टरीज ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ चलते हैं Which character is used to redirect output into an existing file in Linux? Linux में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देश करने के लिए किस वर्ण का प्रयोग किया जाता है फॉलो करना है लेस देन ग्रेटर डबल करके है सिंगल है तो यहाँ पे सिंगल ग्रेटर देन आपका आंसर जो है सही होगा ए आंसर सही क्वेश्चन नंबर तेरह MS Word? MS Word ऑफ द कर वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है मतलब किस बार में दिखाई देता है तो लेआउट टाइटल बार स्टेटस बार और राइजेंटल बार आपको पता है स्टेटस बार होगा इसका आंसर सही चेक कर लेते हैं स्टेटस बार आपका सही है अपनी भाई जो भी ऑप्शन होता है उस पर चला जाता है नंबर फोर्टीन विच शॉर्टकट की इज यूज टू तो हाईलाइट द एंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट संपूर्ण शब्द दस्तावेजों को उच्च प्रकाश में लाने के लिए किस शॉर्टकट को का उपयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस ओ कंट्रोल प्लस एस और कंट्रोल प्लस ई तो आपका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस ए ठीक है नंबर फिफ्टीन पे चलते हैं टैब इन एक्सेल यूज टू प्रूफिंग प्रोटेक्टिंग एंड मार्किंग आप ए स्प्रेड स्प्रेडशीट एक्सेल में कौन सा टैब का उपयोग स्प्रेडशीट की रक्षा सुरक्षा और अंकन के लिए किया जाता है फॉर्मूला डेटा रिव्यू ये चार ऑप्शन है रिव्यू टैब आपका सही आंसर है ठीक है सी रिव्यू समीक्षा वाला जो टैब है नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हुई टूल इन एम एस ऑफिस इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड मार्किंग लिस्ट ठीक है इसमें सूत्री सु, कार्यालय में कौन से उपकरण डेटा व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए सबसे अच्छा है एक्सेस एक्सेल पावर फॉल्ड और वर्ड तो आपका आंसर सही होगा एक्सेल क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन ए रेंज एक रेंज के अंदर सबसे बड़ा अंक को किस फंक्शन के द्वारा आप ढूंढ पाएंगे ठीक है यहाँ पे चार ऑप्शन आप देख सकते हैं सिलिंग डी मैक्स लेन एंड मैक्स तो मैक्स होता है सबसे बिगेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए ऑप्शन डी इसका आंसर सही है नंबर एटीन विच व्यू अलाउज टू मॉडिफाइड टेबल स्ट्रक्चर इन एक्सेस कौन सा दृश्य एक्सेस में तालिका को संरचना को संशोधित करने की अनुमति देता है डिज़ाइन व्यू डेटाशीट व्यू पीवोट टेबल व्यू और पीवोट स्टार्ट व्यू ठीक है तो यहाँ पे आपका आंसर सही होगा डेटाशीट सॉरी डिज़ाइन क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फील्ड नेम इज एक्सेस एक्सेस में सबसे अधिकतम लंबाई क्या है सोलह कैरेक्टर बत्तीस करेक्टर 64 करेक्टर एक सौ करेक्टर तो सही आंसर है आपका 64 करेक्टर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी व्हाट इज द टर्म एज एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड टोटल अमाउंट ओवर डेबिट साइड टोटल अमाउंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ और हानि खाते में डेबिट डेबिट पक्ष की कुल राशि पर क्रेडिट पक्ष की कुल राशि क्या कुल राशि को क्या कहा जाता है क्रेडिट डेबिट लॉस और प्रॉफिट यहाँ पर डी आपका प्रॉफिट माना जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर्स आपूर्तिकर्ताओं को वस्तुओं की वापसी से संबंधित लेन देन का रिकॉर्ड करने के लिए किस पुस्तक का उपयोग किया जाता है परचेज बुक परचेज रिटर्न सेल्स बुक सेल्स रिटर्न बुक तो यहाँ पे सही आंसर आपका परचेज रिटर्न बुक ये अकाउंटिंग का सवाल था ट्वेंटी टू विच फैक्टर एंड डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कौन सा कारक उत्पाद की लगत निर्धारित करता है डायरेक्ट कॉस्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट इसका आंसर सही है बी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट नेक्स्ट चलते हैं ट्वेंटी थ्री की ओर ये भी अकाउंटिंग का सवाल था नेक्स्ट अब था ट्वेंटी थ्री टर्म इज यूज फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस बाय ए पर्सन किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश की गई राशि के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है असेट कैपिटल डेबिट और लाइबिलिटीज तो कैपिटल आंसर सही होगा यहाँ पे ठीक है भी टैली से क्वेश्चन था नंबर ट्वेंटी फोर वट इज द रिफर टू एज ए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सामान खरीदने और बेचने के रूप में क्या संदर्भित है नॉर्मल अकाउंट रियल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट आपका सही आंसर होगा डी ट्रेडिंग अकाउंट नेक्स्ट चलते हैं ट्वेंटी फाइव व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू बी गेट एक्जीक्यूटेड बाई द कंप्यूटर कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने लिख दे निर्देश लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है प्रोग्रामिंग कहा जाता है डी आंसर सही है ट्वेंटी सिक्स कुछ इज ए वैलिड जे एस यानी जावे स्क्रिप्ट कोड टू शॉर्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे ट्रेड किसी एरे ट्रैकल करने के लिए किस एलिमेंट का आपको प्रयोग करना है यहाँ पे ट्रेड डॉट शॉर्ट ट्रेड डॉट शॉर्ट और ब्रैकेट ओपन क्लोज है शॉर्ट डॉट ट्रेड ओपन ब्रैकेट क्लोज और शॉर्ट ब्रैकेट के अंदर ट्रेड तो आपका आंसर बी ट्रेड डॉट शॉर्ट और ब्रैकेट क्लोज ओपन एंड क्लोज ट्वेंटी सेवन विच ब्रैकेट इज यूज टू राइट ऑब्जेक्ट इन जाबास्क्रिप्ट जाबा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट निकले किस ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर कर्ली ब्राकेट का यूज किया जाता है आंसर सी होगा कर्ली ब्रैकेट ठीक है नेक्स्ट चलते हैं ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट व्हाट इज दस मॉड्यूल परसेंटेज ऑपरेटर इन जब स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट में परचेज मॉड्यूल में परसेंटेज ऑपरेटर क्या है परसेंटेज वैल्यू प्रोडक्ट वैल्यू रिमाइंडर वैल्यू और कॉन्टेंट वैल्यू ठीक है तो यहाँ पे आंसर आपका सी होगा रिमाइंडर वैल्यू ट्वेंटी नाइन हाउ मैनी न्यूमरिक डेटा टाइप्स अवेलेबल इन एक्सेल वी 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 में कितने प्रकार न्यूमरिक डेटा अवेलेबल है सात प्रकार के डेटा आपका अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर थर्टी वॉट इज़ द अनदर नेम ऑफ की वर्ड इन वी वी ए वी वी ए में की वर्ड का दूसरा नाम क्या है ठीक है यहाँ पे चार ऑप्शन है आपका आंसर होगा रिवाइज वर्ड्स ठीक है किसका प्रयोग किया जाता है सी वी वी एस टी एम एल जाबा इसके वी वी ए का यूज किया जाता है सब पता है ही आपको वाइट डज एक्सेल काउंस इन ऑब्जेक्टरी ऑफ वी बी एक्सेल वी वी ए की ऑब्जेक्ट पदानुक्रम में कहाँ आता है रेंज ऑब्जेक्ट वर्क बुक ऑब्जेक्ट वर्कशीट ऑब्जेक्ट और एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर है सही application object. अब चलते थर्टी थ्री की ओर बटन अलाउ ए सिंगल चॉइस एस इन ए लिमिटेड सेट ऑफ एनुअल एक्सक्लूसिव चॉइस कौन सा बटन पारस्परिक अन्य विकल्प के सीमित सेट के भीतर एकल विकल्प भी की अनुमति देता है बटन ऑप्शन बटन स्पिन बटन और टगल बटन आपका आंसर सही है स्पिन बटन स्पिन बटन आपका आंसर सही है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर की ओर हिच इज इज कॉल्ड सेल ऑफ परचेस टर्म्स विदाउट फिजिकली विजिटिंग ए शॉप भौतिक रूप से किसी दुकान पर आए बिना वस्तु की खरीद बिक्री को क्या कहा जाता है आपको ई कॉमर्स कहा जाता है यहाँ पे आंसर सही होगा ई कॉमर्स नंबर थर्टी फाइव विच कार्ड परमिट्स ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग बैलेंस अमाउंट अवेलेबल इन बैंक अकाउंट बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करके कौन सा कार्ड ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देता है क्रेडिट कार्ड पेबल डेबिट कार्ड वॉलेट तो आपका डेबिट कार्ड आंसर यहाँ पे सही है थर्टी फाइव थर्टी सिक्स हुई वन इज ई कॉमर्स साइट ई कॉमर्स साइट इनमें से कौन सा है याहू बिंग गूगल अमेजोन तो अमेजोन आपका सही आंसर है, है बाकी सब सर्च इंजन है नेक्स्ट चलते हैं Which is the function of specifying access rights to resource related to information security? सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों के एक पहुँच अधिकार निर्दिष्ट करने के लिए कौन सा कार्य कौन सा है तो यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन होगा ठीक है नंबर थर्टी एट नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन पार्लियामेंट पास द आई टी एक्ट आई टी एक्ट कब पारित हुआ था? दो हज़ार साल में पता ही है ठीक है नेक्स्ट आते हैं थर्टी नाइन वट इज कॉल्ड द कलेक्टिव टर्म्स ऑफ मेडिकुलर सॉफ्टवेयर एज वायरस वॉर्म्स और टार्जन दुर्भावना दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के सामूहिक शब्दों को क्या कहा जाता है स्पैम फिशिंग मलबेर वम तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा ये चारों ऑप्शन आपको ध्यान में रखना ये है ये इंटरनेट सिक्योरिटी का क्वेश्चन है सी मलबेयर ठीक है नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी के ओर यहाँ पे ध्यान देना है इंटरनेट सिक्योरिटी क्वेश्चन पे यह बार बार कई बार आया है एग्जाम में ठीक है इसको हमेशा याद रखना है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी के ओर नेक्स्ट चलते हैं फोर्टी क्यूर वाट इज कॉल्ड पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी वेलेंटरेबिलिटी इन कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर प्रणाली में सुरक्षा सुरक्षाविधता का आवधिक मूल्यांकन का क्या है थ्रेट अटैक हैकिंग सिक्योरिटी एंड ऑडिट ये चार ऑप्शन में से आपका आंसर होगा सिक्योरिटी ऑडिट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन प्रोनाउंशियन रिपास टू उच्चारण डैश को संदर्भित करता है क्या है यहाँ पे चार ऑप्शन है तो आपको ऑप्शन होगा प्रोडक्शन ऑफ साउंड ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच वन इज कॉर्डिनल नंबर कॉर्डिनल नंबर क्या है यहाँ पे देख सकते हैं नंबर टेन ये आंसर सही है फोर्टी थ्री लो लेवल लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड क्या है मशीन लैंग्वेज होगा आंसर ठीक है मशीन लैंग्वेज आंसर इसका सही लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज को कहा जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर ये रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरियड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारी का लिखित विवरण को डैश कहा जाता है सी बी जॉब डिस्क्रिप्शन रिज्यूम जॉब एप्लीकेशन क्या कहा जाता है इसको इसको कहा जाता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव ये कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश कंप्यूटर फ्रंटल में डैश होते हैं क्या होते हैं सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं माउस एंड कीबोर्ड होते हैं सर्किट डायग्राम होते हैं ये चार ऑप्शन आपका यहाँ पे दि, दि, दिया है ये क्वेश्चन आसानी से आप कर लेंगे चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है कंप्यूटर फ्रेंड में क्या होते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होते हैं इसका आंसर बी होना चाहिए ठीक है इसका आंसर जो है बी सही है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेंस ए रीजनल नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्र राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे क्या कहा जाता है लैंड वन मैन और कैन आपको पता ही है वन है नेक्स्ट सी पी यू स्टैंड फॉर ये सी पी यू का पूरा नाम क्या है पता ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बी आंसर इसका सही है नेक्स्ट चलते फोर्टी एट की ओर इन एक्सेल द इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड एक्सेल में किसी रो या पंक्ति या कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है सेल लेवल स्क्वायर वर्कशीट सेल कहा जाता है आंसर ये एम एस एक्सेल से आया है ठीक है बार बार आता है क्वेश्चन एन सी बी टी एग्जाम में आपको इसको लिख के रखना है ठीक है इसका आंसर है सही सेल नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सॉरी फोर्टी टू सॉन्ग्स ओनली टू ऑनलीव प्लेजर कम्स आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाना सुन डेस्क के अंतर्गत आता तो है क्रिटिकल थ्रेपेटिक अप्रिसिएटिव ऑफ कंप्रेसिव लिसनिंग तो आपका आंसर होगा आपका अप्रिसटिव लिसनिंग ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द स्टार्टिंग ऑफ राइट्स एंड रॉन्ग इन ह्यूमन भी इज कॉल्ड इसमें मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता? जाता. तो जाता है मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन एथिक्स और गोल क्या है आंसर आपका सही है एथिक्स फिफ्टी वन इंटरप्रनशिप ऑल्सो टॉम डैश उद्यमियों को डैस भी कहा जाता है इन्वेस्टर इम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इम्प्लॉय सीकर तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार भी कहा जाता है आंसर सी इसका सही आंसर है नंबर फिफ्टी टू विच वन इज बेस्ड अकाउंटिंग कौन सा एक वे आधारित लेखांकन है एक सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस विजी टैली व विंग्स तो इसका टेली। टेली आपका इसका आंसर होगा सी टैली टैली आंसर आपका यहाँ पे सही होगा ठीक है नेक्स्ट चलते फिफ्टी थ्री द इंटर इंटरप्राइज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नॉन एज माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को गैस के नाम से भी जाना जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज सर्विस इंटरप्राइज माइक्रो इंटरप्राइज और माइक्रो इंटरप्राइज तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज आपका आंसर सही है एम्प्लायमेंटी का क्वेश्चन है नंबर फिफ्टी फोर लो प्रोडक्शन लीड टू काम उत्पादकता से क्या होता है जॉब सिक्योरिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिक्रीज इन जीडीपी पर कैप्चा और इंक्रीज इन जीडीपी पर पी फॉर कैप्चा तो ये आपका आंसर सही होगा कि डिक्रीज जीडीपी है ना ये प्रति व्यक्ति डीजीपी को घटाता है तो आंसर होगा सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वो कम को डैश से डैश नामक यंत्र से मापा जाता है आपको पता है सूचक यंत्र से नापा जाता है क्वेश्चन नंबर सी आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है इकोसिस्टम इकोनॉमिक्स इकोलॉजी और इग्लू इसका आंसर आपका सी सही होगा इकोलॉजी कहा जाता है फिफ्टी सेवन द प्रोसेसिंग ऑफ डिसक्रडेड मटेरियल्स इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड नए उपयोग उत्पादों में छोड़े गए सामग्री को पुनः आपत्ति को क्या कहा जाता है ये री यूज वेस्ट मेटीरियल रिसाइकिल मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट रिडक्शन ऑफ यूज ऑफ रॉ मटेरियल तो रिसाइकिलिंग ऑफ मटेरियल इसको कहा जाता है फिफ्टी एट वाट इज द एक्सपेंशन ऑफ आई एल ओ आई एल ओ का पुरा नाम क्या है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है ये आंसर सही है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन फिश बॉन चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फिश बोन चार्ट को डैश भी कहा जाता है क्या कहा जाता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम स्कैटर डायग्राम कंट्रोल चार्ट और हिस्टोग्राम तो आपका आंसर सही है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम ये आंसर इसका सही है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वट डज सेरी स्टैंड फॉर सेरी किसके लिए है शॉर्टिंग आउट सेल्फ डिसिप्लिन स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट तो आपका शॉर्टिंग आउट आंसर इसका सही है सिक्सटी तो ये था एम्प्लायबिलिटी एंड कोपा के लास्ट ईयर में जो सीबीटी परीक्षा हुआ था उसका आंसर के साथ आपका पूरा रिव्यू आशा करते तो हो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद